तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि साल भर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। मगर प्यारे विद्यार्थियों, इस साल भी ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, अब उनको परीक्षाओं को लेकर डर सता रहा है कि अब हमारा परीक्षाओं में क्या होगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा तीन अक्षरों का एक छोटा सा शब्द जरूर है, मगर इसके मारे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी घबराते हैं, तो फिर नहीं पढ़ने वालों बच्चों की तो बात ही क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वो ट्रिक है जिनको आप बोर्ड परीक्षा के हॉल में कर आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कई तरह के बच्चे होते हैं जिसमें से एक इस प्रकार के भी बच्चे होते हैं जो साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं और परीक्षा आते से ही वो कुछ पता नहीं क्या ऐसा करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो जाते हो। अगर प्यारे विद्यार्थियों, आप में से कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मगर कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साल भर नहीं पढ़ते हैं और पेपर देते हैं और इसके बाद में वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या अंतर है कि बच्चे तो दो ही तरह के हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं करी फिर पेपर दिए पास हो गए, साल भर पढ़ाई करी पेपर दिए और फेल हो गए। तो देखिएगा ऐसा वो क्या करते हैं कि जिन्होंने साल भर पढ़ाई भी नहीं करी, परीक्षा दी और वो पास हो गए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी आपको पास करने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वो ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके आप बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, अगर आपने ट्रिक्स को फॉलो किया तो आप ये समझिएगा कि आपकी कॉपी को कोई भी टीचर चेक करे आपको वो कभी भी फेल नहीं कर सकता है, वो खुश होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा और आपको इस प्रकार से पास वो कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वो ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, मान लेते हैं कि ये आपका अंग्रेजी का पेपर है, कक्षा 10वीं का ये अंग्रेजी का पेपर है बोर्ड परीक्षाओं का, और इसके अलावा ये कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पेपर है बोर्ड परीक्षाओं का। तो देखिएगा, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं एक एक ट्रिक को यहीं पर आपको करके बताऊंगा और इसी प्रकार की ट्रिक को आपको अपनी बोर्ड परीक्षाओं में फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी टीचर आपको किसी भी विषय में फेल नहीं कर सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाई स्टेप्स यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी में किया तो आपको कोई भी टीचर किसी भी विषय में फेल नहीं कर सकता है, बल्कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बहुत अच्छे नंबर देगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो जैसे आप बोर्ड परीक्षा देने जाओ, पहला पेपर देने जाओ, और जैसे आपके हाथ में इस प्रकार से पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम दो मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि आपने इस पेपर में से कुछ भी नहीं पढ़ा है, साल भर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें कैसे आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इनको आपको फॉलो करना होगा तभी जाके आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में पास अच्छे नंबरों से हो सकते हो, चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ाई करी हो या नहीं की हो। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं को कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा नंबर एक पर सबसे ज़्यादा ये आता है कि आप थोड़ा सा पढ़ लें, पहली ट्रिक यही है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन रात पढ़ें, मगर आपको मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ने से क्या होगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कम से कम इतना ज़रूर पढ़ लेना है। पढ़ने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सभी चीज़ों को याद करने बैठो, कम से कम आप अब ये ज़रूर करो कि आपकी जो भी कुंजी है, गाइड है, उसमें से आप लोग अपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लें, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पूरा पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो कम से कम मैं सलाह दूंगा आपको कि अगर आपने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी, सत्य असत्य, और ये जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लें ताकि ये चीज़ें आपकी सही हो सके। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन जिस विषय का पेपर रहता है उसके बीच में पहले से आपको उस विषय को ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसके बाद में सबसे पहले आप लोग लघुत्तरी प्रश्न तैयार करें,
लघु उत्तरी प्रश्न तैयार करें और इसके बाद में फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार करें। इनको आप लोग पढ़ लें और अब रटने की अपेक्षा आप इन प्रश्नों को समझने पर ध्यान दें। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया और इनको आप परीक्षाओं में लिख कर आए तो बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाओगे। तो दो ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, अब देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी ट्रिक को देखते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके अपनी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ाई को ध्यान पर दें आप, थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिलता है आप पढ़ लें थोड़ा थोड़ा सा। और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को पहले आप लघुत्तरी प्रश्नों को याद करेंगे और इसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये बड़े होते हैं तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ ले और लिखना आप सीख जाओगे। अब इसके बाद में आती है, देखिएगा परीक्षा की कॉपी। परीक्षा की कॉपी में क्या करना है तो देखिएगा, ये भी आपको मैं बता देता हूं कि परीक्षा की जो कॉपी होगी, परीक्षा की कॉपी में साफ सुंदर लिखे। कैसा लिखें? साफ और सुंदर लिखे ताकि आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। देखिएगा यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कर दें, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को याद कर लें, समझ लें। परीक्षा की कॉपी में आपको बिल्कुल साफ सुंदर लिखना है। और एक और चौथी बात ये होती है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको, मान लिया ये पेपर है हमारे पास में जो मौजूद है, ये आपका समझ लेते हैं कि यह कक्षा 12वीं का हायर सेकेंडरी का पेपर है और इसमें आप लोग देख सकते हो टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि देखिएगा, यहाँ पर जो अंतिम ट्रिक है आपकी, या आप इसको अंतिम ना समझें मगर ये महत्वपूर्ण ट्रिक है, प्रश्न पत्र में से कोई भी प्रश्न ना छोड़े। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है कि जैसे ही आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है तो इस पेपर में से आपको जो जो प्रश्न याद होंगे उनको तो आप बड़े ही इत्मीनान से आप इस परीक्षा की कॉपी में लिख कर आ जाओगे, मगर जो प्रश्न आपको याद नहीं है उनको आप इसमें नहीं लिख पाते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे में क्या होता है कि आप वैसे भी साल भर से पढ़ाई आपने नहीं करी है और अब आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाए, तो इसके लिए कम से कम आप ये करें कि आपके पेपर में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है या आपको याद नहीं आ रहे हैं उनके उत्तर भी आपको अपनी परीक्षा की कॉपी में लिखकर आना है, तभी जाके आप पास हो पाओगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये चार ट्रिक्स ऐसी है जिनको फॉलो करके आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको पास से बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इनको अच्छे से देख पढ़ और समझ सकें। तो देखिएगा सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ट्रिक है वो ये है कि अब परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है तो आप थोड़ी थोड़ी सी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें बिल्कुल, ताकि आप लोग समझ सकें इन प्रश्नों को। खासकर बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनको आप लोग ज़्यादा जरूर पढ़ें और इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कह सकते हो, जो भी आप समझें। तो सबसे पहले आप इनको जरूर पढ़ें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जरूर पढ़ें ताकि आप लोग इनको अच्छे नंबर से इनको पूरा सही कर सकें। लघुत्तरी प्रश्न इसके बाद में हल कर लें और इसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को याद कर लें। परीक्षा की कॉपी में साफ और सुंदर आपको राइटिंग में लिख कर आना है और प्रश्न पत्र में से कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, चाहे उसका उत्तर आपको याद है या नहीं है, आपको जैसे बन पड़ता है उसी प्रकार से आपको अपनी परीक्षाओं में सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर आना है। और इसके बाद में एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो है, देखिएगा मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ आपको कि और क्या ज़रूरी है। तो पांचवी ज़रूरी बात, देखिएगा सबसे पहले आपको आपका जो पेपर होगा उसमें आपको कौन से कलर के पेन से लिखना है। देखिएगा सबसे पहले जो आपको नीला पेन होता है, नीले कलर के पेन से आपको लिखकर आना है, नीले कलर के पेन से कॉपी में लिखना है। कैसे कलर से? कॉपी में लिखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। नीले कलर का पेन कैसा होता है, आप कोई सा भी इस प्रकार का पेन ले सकते हो, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा इससे आपको, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार से आप ऐसे ही पेन से लिखें, कोई सा भी होता है, इसे बाल पेन कहते हैं वैसे, तो आप लोग इस प्रकार के नीले कलर के बाल पेन से ही लिखें
परीक्षा की कॉपी में है ना, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा इसी प्रकार के पेन से लिखना है। इसके अलावा और कोई सा भी दूसरा पेन आपको यूज नहीं करना है। तो आप लोग सभी ध्यान देंगे, आपको केवल और केवल इसी प्रकार के पेन से लिखकर आना होगा परीक्षाओं में। तो एक अगला पॉइंट आप इसे ऐड कर लें कि नीले कलर के पेन से लिखना है। और इसी प्रकार से इन 5 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपको प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इसको पूरा लिखा। और इसके अलावा देखिएगा, एक लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख कर आओगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लिख रहे हो यहाँ पर इसका उत्तर, देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप नीले कलर के पेन से पूरा अच्छे से लिखेंगे। देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, इस प्रकार से आपको बीच में लिखना है और ना ही आपको प्रश्न नंबर इधर डालना है और ना ही इधर ऊपर डालना है। देखिएगा इस जगह पर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है और इधर भी कुछ भी नहीं लिखना है, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर आने होंगे। आप बिल्कुल भी यह ना सोचे कि किस प्रकार से हम लिखे, जैसा आपको बन पड़ता है उसी प्रकार से आपको इनको लिख कर आना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो अब आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दें, और जैसे ही पेपर आता है आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत अच्छे से और बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको पूरा पेपर हल करके आना है। चाहे उन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं या नहीं आते हैं, या आपके मन में जो भी कहानी चल रही है उस प्रश्न से संबंधित, वो आपको वहाँ पर लिख कर आनी है, तभी जाके आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में जो ट्रिक्स मैंने बताई है इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी टीचर आपको फेल नहीं कर सकता है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।